इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। तो दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन ने शुरुआती चार दिनों में दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके उन सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया जो दिन रात इस फिल्म की नेगेटिविटी कर रहे थे। जी दोस्तों, आपने भी ध्यान दिया होगा, कुछ क्रिटिक्स फिल्म की बुराई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता का प्यार सिंघम अगेन को भरपूर मिल रहा है, जिसके चलते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती तीन दिनों में तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, वही चौथे दिन भी फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से धमाकेदार है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंघम अगेन के चार दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे फिल्म भूल भुलैया 3 के भी चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन दोनों फिल्मों ने दुनिया भर में कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में आपको कौन सी फिल्म बेस्ट लगी। तो दोस्तों, बॉलीवुड की एक्शन ड्रामा फिल्म सिंघम अगेन, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन, सुपरस्टार अक्षय कुमार, साथ ही साथ रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जेके श्रॉफ और अर्जुन कपूर। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब यह फिल्म 1 नवंबर यानी कि दीपावली के मौके पर रिलीज हुई थी, तब जिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा, सभी ने इस फिल्म की जमकर तारीफें की और हर किसी को इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का एक्शन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब दोस्तों, अच्छी फिल्म होने की वजह से यहां पर सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन तो धमाकेदार कमाई की, वही दूसरे दिन तीसरे दिन भी इस फिल्म के कलेक्शन बढ़िया रहे। हालांकि दोस्तों, आज से वर्किंग डेज चालू हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड बना के रखा है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब से सिंघम अगेन फिल्म रिलीज हुई है, उसके बाद से ही यूट्यूब पर कुछ 2 करोड़ के रिव्यूअर बैठे हैं जो कि अपने आप को फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं, जैसे कि एक छपरी कुमार है वो, और इन लोगों को लगता है कि इन लोगों की फिल्म की बुराई करने की वजह से शायद सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात ये क्लियर कर दूं कि छपरी कुमार जैसे 2 करोड़ के यूट्यूबर्स की फिल्म की बुराई करने से फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही धमाकेदार कमाई करती जा रही है। और दूसरी बात दोस्तों ये कि यहां पर फिल्में बनती है ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो कि टिकट का पैसा खर्च करके फिल्म को देखने जाते हैं, ना कि यूट्यूब पर बैठे छपरी कुमार जैसे यूट्यूबर और रिव्यूज करने वालों के लिए। तो यहां पर यूट्यूबर्स को और रिव्यूअर्स को भले ही फिल्म पसंद ना आई हो, लेकिन ऑडियंस को फिल्म काफी अच्छी लग रही है, और यह फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ चुकी है कि इस फिल्म को कई लोग तो 2-2 बार देखने जा रहे हैं, और इसी की वजह से फिल्म की कमाई में कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, और यह फिल्म अभी भी करती जा रही है धमाकेदार कमाई। और जिस तरह यहां पर सिंघम अगेन के कलेक्शन दिन पे दिन काफी जबरदस्त निकल कर आ रहे हैं, उसे देखकर तो दोस्तों यही कहूंगा कि यह फिल्म आने वाले 2 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह धमाकेदार कमाई करेगी और अजय देवगन के करियर की पहली फिल्म बनेगी जो कि दुनिया भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि सिंघम अगेन के साथ में यहां पर भूल भुलैया 3 भी रिलीज हुई है, और उस फिल्म के भी लोगों ने काफी ज्यादा बुराई की थी, लेकिन वहां पर भूल भुलैया 3 के भी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, वो भी काफी बढ़िया हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं भूल भुलैया 3 के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे सिंघम अगेन के भी 4 दिनों के टोटल कलेक्शन की। दोस्तों, अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, राजपाल यादव। बताना चाहूंगा दोस्तों, 150 करोड़ के बजट में बनी भूल भुलैया 3 जब सिनेमाघरों में आई थी, इसके सामने ऑलरेडी सिंघम जैसा एक बड़ा तूफान खड़ा था, लेकिन यहां पर भूल भुलैया 3 ने भी बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की है वो पूरी तरह से तारीफे काबिल है। जी दोस्तों, एक तरफ जहां सिंघम अगेन में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्शन स्टार है, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन जैसे एक एक्टर है, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन को एक बड़ी टक्कर दी, और फिल्म ने जो शुरुआती 4 दिनों में कमाई की है वो पूरी तरह से जबरदस्त है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 सिर्फ 3 दिनों में ही अपने बजट से ज्यादा कमाई कर चुकी थी, और यहां पर चौथे दिन भी इस फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से धमाकेदार आ रहा है। तो अगर बात की जाए भूल भुलैया 3 के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले
दिन इंडिया नेट कलेक्शन 36.60 करोड़ रुपए का किया था, जो कि कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग रही थी। वही दोस्तों पहले दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन दूसरे दिन और भी बेहतर रहे और फिल्म ने सेकंड डे 38.40 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। हालांकि दोस्तों हम सबको लग रहा था कि यह फिल्म तीसरे दिन यानी कि संडे बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़ा उछाल मारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म का पहले और दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन का कलेक्शन हल्का सा ड्रॉप हुआ और फिल्म ने तीसरे दिन 34.70 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। अब बात करें दोस्तों यहां पर भूल भुलैया 3 की आज यानी कि चौथे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज है मंडे और आज से वर्किंग डे शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ आप सबको पता होगा कि सोमवार से जो टिकट्स के रेट है वो भी कम हो जाते हैं, जिसके चलते ही दोस्तों यहां पर भूल भुलैया 3 का जो चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अब थोड़ा नीचे आ चुका है। हालांकि फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो तीसरे दिन के मुकाबले लगभग 45% ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। साथ ही साथ फिल्म के अफ्टरनून और इवनिंग के शोज की भी जो बुकिंग है ना वो कल के मुकाबले काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। हालांकि ऐसा हर फिल्म के साथ में होता है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक यहां पर भूल भुलैया 3 अपने चौथे दिन लगभग 15.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का शुरुआती 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 125.20 करोड़ रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 148.90 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों जिस तरह फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की उसी तरह फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन भी काफी तगड़े और फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 34.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का शुरुआती 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 183.65 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म 4 दिनों में दुनिया भर के अंदर 183 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है और दोस्तों पूरी उम्मीदें हैं कि कल यानी कि 5वें दिन इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो शायद 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग ऑलरेडी मिल चुका है और बहुत ही जल्दी ये फिल्म सुपर हिट भी हो जाएगी और हो सकता है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग भी मिल जाए। यानी कि दोस्तों दीपावली पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेस बनने को तैयार है। वही दोस्तों अब अगर बात करें सिंघम अगेन के बारे में, तो रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन, जिस फिल्म में हमें सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, एसीपी सत्या के साथ साथ बहुत बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिली थी और दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर जो रिस्पॉन्स मिला वो काफी खतरनाक रहा। जी हाँ दोस्तों फिल्म ने पहले ही दिन अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली। वही हैरान करने वाली बात यह थी कि फिल्म के पहले दिन से ज्यादा कलेक्शन दूसरे दिन आए, वही तीसरे दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। वही तीसरे दिन के बाद चौथे दिन मंडे आ चुका था और सबको लगा था कि भैया अब मंडे से तो फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और यहां पर सिंघम अगेन ने अपने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जो होल्ड बनाकर रखा है वो पूरी तरह से लाजवाब है। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर सिंघम अगेन फिल्म ने अपने पहले दिन 43.70 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था, जो कि अजय देवगन के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग बन चुकी थी। वही दोस्तों दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में एक बड़ी ग्रोथ आई और फिल्म ने सेकंड डे 44.50 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। अब दोस्तों हमें क्या लगा था कि तीसरे दिन संडे है तो शायद इस फिल्म की कमाई पहले और दूसरे दिन से बेटर रहेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, जिसके पीछे की वजह दोस्तों यह थी कि तीसरे दिन यानी कि संडे भाई दूज का त्यौहार था, जिसके चलते इस फिल्म के इवनिंग और नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी में पहले और दूसरे दिन के मुकाबले थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 38.62 करोड़ रुपए का किया, जो कि हम सबकी उम्मीदों से तो थोड़ा कम है लेकिन फिल्म के हिसाब से काफी बड़ी कमाई रही। अब नजर डाली जाए दोस्तों इस फिल्म की आज यानी कि चौथे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज है मंडे यानी कि वर्किंग डे। अब शुरुआती 3 दिनों तक तो फिल्म को दीपावली की छुट्टियों का पूरा फायदा मिला और 3 दिन तक इस फिल्म को लोगों ने फ्री होकर आराम से देखा, लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज से स्कूल चालू हो चुके हैं, साथ ही साथ जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी आज से जॉब पे जाने लग गए। इसके अलावा आज से सभी फिल्मों के टिकट रेट्स भी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, जिसके चलते सिंघम अगेन के जो चौथे दिन के कलेक्शन है ना वो काफी नीचे आ चुके हैं, जो कि हर एक फिल्म के आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जितनी अच्छी कमाई फिल्में शुक्रवार, शनिवार और रविवार करती है ना, सोमवार के बाद उन सभी फिल्मों के कलेक्शन डाउन हो जाते हैं, तो वैसे ही सिंघम अगेन के कलेक्शन भी आज यानी कि चौथे दिन काफी नीचे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगले हफ्ते
हफ्ते बॉलीवुड की कोई नई फिल्म नहीं आएगी तो इतना कंफर्म है कि अगले वीकेंड एक बार फिर से सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेदार कमाई करेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक सिंघम अगेन अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 17,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का जो शुरुआती 4 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो इंडिया नेट हो चुका है 144,32,00,000 रुपए का। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 171,54,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों इस फिल्म ने भी विदेशों में पूरी तरह से धमाका कर रखा है और फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 38,96,00,000 रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का शुरुआती 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 210,50,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम अगेन फिल्म 4 दिनों में ही दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों फिल्म का 4 दिनों का कलेक्शन तो काफी बेहतरीन हो चुका है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह बढ़िया कमाई करती जाएगी और यह फिल्म अजय देवगन के करियर की पहली 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम अगेन को भूल भुलैया 3 भी काफी अच्छी टक्कर दे रही है। तो आप देखते हैं कि जब लाइफ टाइम इन दोनों फिल्मों का कंप्लीट होगा तो लास्ट में इस फिल्म के कलेक्शन सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि सिंघम अगेन की जो कमाई है ना वो भूल भुलैया 3 से काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा वो अभी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर आपको क्या लगता है दोस्तों लाइफ टाइम कलेक्शन किस फिल्म का ज्यादा रहेगा, सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।